बेंगलुरु में जब विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी घर आकर कर्नाटक के डिप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार से मिल रहे थे, तब कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर धरना देते हुए येदुरप्पा ने बीजेपी जेडीएस अलायंस का खुलासा कर दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, एक दूसरी पार्टी भी लड़ रही है, जेडीएस पार्टी। जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट। मुझे बताओ, जेडीएस की जितनी भी सीटें आएगी अंत में वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई बताओ, जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हो तो सीधा वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक का विकास करेंगे। चुनाव प्रचार में मोदी और शाह ने कांग्रेस जेडीएस को लेकर कर्नाटक की जनता को खूब डराया था, बहुत सावधान भी किया था, लेकिन लोगों ने भरोसा राहुल की गारंटी डीके की प्लानिंग पर किया। जेडीएस को कहीं का नहीं छोड़ा। हाथ से निकल चुके कर्नाटक में आगे का नफा नुकसान भाप कर बीजेपी और देवगौड़ा दिल बड़ा करके डील सील कर ली है। पहले का कहा सुना सब माफ कर दिया। डील हुई कि मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर यानी कि 4 सीटों पर जेडीएस लड़ेगी, 24 सीटें बीजेपी लड़ेगी। 13 सितंबर को ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस के निपटने के बाद से अलायंस का हल्ला मचा हुआ था। पीएम मोदी और एचडी देवगौड़ा का मिलना जुलना भी हुआ। नए संसद के उद्घाटन पर देवगौड़ा भी पहुंचे थे। येदुरप्पा ने खुलासा किया कि मोदी देवगौड़ा की मीटिंग में ही सब कुछ फाइनल हुआ था। कर्नाटक में कांग्रेस का टाइम सही चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने गारंटी वाले जितने वादे किए थे वो धीरे धीरे लागू हो गए हैं। गारंटी का इम्पैक्ट ही लोकसभा जीतने का मोहरा बनेगा। कर्नाटक जीतने के बाद राहुल गांधी ने सिद्धरमैया डीके को दिल्ली बुलाकर लोकसभा जीतने पर डिक्शन किया था। चुनावी आर्किटेक्ट डीके ने जबान दे दी है कि 28 में से 25 सीटें लाएंगे। जेडीएस से अलायंस करके बीजेपी जितनी सीटें लड़ेगी उससे ज्यादा सीटें जीतने का जिम्मा उठाया है डीके ने। जेडीएस से अलायंस का इशारा साफ है कि बीजेपी बैकफुट पर है। 5 साल पहले 51% वोटों के साथ 28 में से 25 लोकसभा जीतने के बाद विधानसभा की हार से कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ है। जेडीएस को कोई पूछ ही नहीं रहा था, बीजेपी ने एनडीए में नहीं लिया, इंडिया वालों ने गठबंधन में नहीं बुलाया। इंडिया के लगातार विस्तार से सहमी बीजेपी के लिए नए रास्ते तलाशना जरूरी हो गया है। 1999 में बनी जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस कभी अपने दम पर जीत नहीं सकी, लेकिन देवगौड़ा परिवार किंग भी बना, किंग मेकर भी। पॉलिटिकली फ्लेक्सिबल रहने से कुमारस्वामी को दो बार बीजेपी कांग्रेस के समर्थन से सीएम बनने का मौका भी मिला। वहीं कर्नाटक तक सीमित जेडीएस तीसरे नंबर की रीजनल पार्टी से आगे नहीं बढ़ पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 9-10% वोट मिले थे, विधानसभा चुनाव में 13-14% वोट मिले, तो वहीं 19 सीटें मुश्किल से ही मिली थी। बीजेपी का साथ होना देवगौड़ा परिवार और जेडीएस के लिए संजीवनी हो सकता है।